केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवकों को हरियाणा सरकार इसके लिए तैयारियों के लिए कोचिंग का प्रबंध करेगी। आपको बता दें, विद्यार्थियों से 11वीं के दाखिले के समय विकल्प लिया जाएगा। आरंभ में प्रदेश के 200 स्कूलों में 50-50 की बैच से इनकी शुरुआत की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वायुसेना ट्रेनिंग कमांड मुख्य बेंगलुरु के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के साथ अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के संबंध में हुई बैठक में लिया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्निवीर योजना को लेकर एक हरियाणा के बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने 50-50 बैच की शुरुआत करने के लिए भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 11वीं के दाखिले के समय विकल्प दिए जाएंगे और जो अग्निवीर के लिए तैयारी करेंगे उन्हें कोचिंग सेंटर भी दी जाएगी, जिसे ट्रेनिंग सेंटर के रूप में कहा जाएगा। आपको बता दें कि जो अग्निवीर के रूप में बच्चों को एक ट्रेनिंग सेंटर खोली जाएगी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने एक बच्चों को सौगात दी है और उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के रूप में बच्चों को खुश किया है। आपको बता दें, 200 विद्यालयों में जो 50-50 बैच के हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बैठक में आदेश दिए हैं। उनके साथ वायुसेना ट्रेनिंग कमांडर और मुख्य बेंगलुरु के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के साथ उन्होंने बैठक की है। अग्नि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया।